विकासनगर के गांव ढकरानी में गोकशी के मामले में हिंदू संगठन एवं कई राजनीतिक दलों की भीड़ इकट्ठी हो गई। ग्रामीणों द्वारा गोकशी के आरोप में एक युवक को पकड़ा गया, जहां पर ग्रामीणों ने उसे मार मार कर लहूलुहान कर दिया। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरीके से लहूलुहान युवक को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया। इसी बीच पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठी फटकारी, जिसमें भीड़ तितर बितर हो गई। इस दौरान युवक को पुलिस ने इलाज के लिए लेमन अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर युवक का इलाज चल रहा है। तो वहीं इस पर एसपी देहात ने बताया कि युवक का स्वास्थ्य ठीक है और जल्द ही उसे अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही अन्य लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। विकासनगर से महेश रावत की रिपोर्ट। मामला यह है कि सुबह एक हमारे हिंदू भाई की, अर्चित भाई साहब हैं लखनऊ में, उनकी गाय को एक कसाई ने घर से खोल के थोड़ी दूरी पे ले जाके गौगद्दी कर दी, उसकी हत्या कर दी गौ माता। तो उसकी गिरफ्तारी को लेके और उसके साथ जो अन्य लोग थे, चार पांच लोग जो संलिप्त थे, जिनके उसने नाम भी बताए हैं बाद में, सुबह से गाँव वाले उनके नाम बता रहे हैं, उन सबकी गिरफ्तारी को लेके हम लोग जो है ये आंदोलन कर रहे हैं। तो अभी इन लोगों का कितने लोग पकड़े गए हैं? जो पकड़े गए हैं केवल एक ही व्यक्ति पकड़ा गया है, वो भी गांव वालों ने पकड़ के दिया, मदद से पकड़ा गया। तो आप लोग यहां पर कोतवाली आए हैं, तो पुलिस ने, पुलिस का क्या रवैया है? पुलिस का रवैया फिलहाल तो कोई विशेष नहीं है, पुलिस तो केवल उसके प्रति ही है। अन्य लोगों को पकड़ने के लिए पुलिस को अभी समय दिया गया है, 24 घंटे का समय है। कल शाम तक अगर पुलिस नहीं पकड़ती है तो फिर हमें जो है मजबूरन जो है हमें कुछ विशेष तौर पर करना पड़ेगा। सम्मिलित होने की पुख्ता प्रमाण है, उन सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जहां तक ये गोकशी का विषय, जो आपने नारकोटिक्स का अलग का एक विषय बताया, उस पर आज नहीं कभी अलग से बात करेंगे। इसके बारे में इस क्षेत्र में विगत दिनों में बहुत सफलता पुलिस को मिली है। 2 किलो के करीब जो मादक द्रव्य हैं, जिसकी कि करोड़ों में लागत होती है, वो तमाम सारे जगहों पर पुलिस ने उसको जब्त किया। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, क्योंकि इससे हमारे स्कूल के छात्र बच्चे, उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। तो ऐसे लोगों को भी, जहां भी इनका पता लग रहा है, उनको गैंगस्टर में निरुद्ध करने का काम पुलिस प्रशासन समय समय पे कर रही है, और पुलिस के उच्च अधिकारी निरंतर इसके लिए बाकायदा सेल भी गठित है, एक एसटीएफ भी है वो भी काम करता है, निरंतर इसकी मॉनिटरिंग हो रही है। और इसमें सभी अभिभावकों से, जनसाधारण से, मीडिया से, जनप्रतिनिधियों से सबसे भी प्रार्थना है कि जहां भी कहीं इस तरीके का कोई जानकारी मिले तो उसे पुलिस के साथ जरूर शेयर करें, ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। मौके पे पहुंची थी और ग्रामीणों के सहयोग से ही सर्च ऑपरेशन चल रहा था, और लगभग 12-1 बजे के आसपास जो एक्यूज था उसको कुछ लोगों ने पकड़ा और उसके साथ थोड़ी बहुत मारपीट की। पुलिस को वहां पे सूचना मिली, मौके पे गए, एक्यूज को अपने कब्जे में लिए और हॉस्पिटल में लेके गए, जहाँ पे उसका इलाज चल रहा है। और डॉक्टर से हम लोगों की बात हुई, वो ठीक है और मुकदमा भी पंजीकृत हो गया। उसके साथ और कौन लोग हैं, इसके बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। कितने लोग गिरफ्त से बाहर हैं अभी, उससे बातचीत कर रहे हैं कि उसके साथ और कौन कौन से लोग हैं, उसकी जानकारी मिलते ही फिर देखा जाएगा। और जो भी FIR है उसको पंजीकृत कर लिया गया, जो लोग भी हैं उनके लिए हमारी टीम भी बना दी गई है और लगातार सर्च कार्रवाई चल रही है। आपने बताया था कि सर्च अभियान में पुलिस के द्वारा ही ग्रामीणों को बुलाया गया था, तो भीड़ एकदम से ऐसे कैसे बढ़ गई कि उन्होंने आरोपी पर हमला कर दिया? जहाँ पे ये घटना हुई थी वहाँ से नहीं पकड़ा गया था, वहाँ से ये एस्केप कर चुका था और ढालीपुर के आसपास कहीं उसको पकड़ा गया था। और जब पुलिस के पास सूचना आई तो वहाँ पे मौके पे गए, जो हमारे साथ ग्रामीण सर्च कर रहे थे वो हम ही लोगों के साथ थे। उनके पुलिस के साथ ही कुछ ग्रामीण बातचीत भी करते नजर आ रहे हैं। देखिए अभी इसकी ये सब चीज़ें अभी हम लोगों के संज्ञान में नहीं आई, जो भी वीडियो जाएंगे उसको देख के उसके बाद उस पर। अभी फिलहाल हमें यह है कि जो हमारी FIR है उसके हिसाब से और जो एक्यूज्ड है
उसको हॉस्पिटल में डॉक्टर के निगरानी में रखा गया, पहले इन चीज़ों को हम लोग देखते हैं। ग्रामीणों ने ही नारे लगाए पुलिस के खिलाफ, धरने पर कुछ देर बैठे रहे हैं, इस पर आपको लापरवाही बताया पुलिस की? देखिए, हमें जो घटना पता चली तुरंत फोर्स भी पहुँच गई, हम लोग भी मौके पर गए और अभी लगातार जितने भी यहाँ पे जनप्रतिनिधि थे, विधायक साहब भी थे, इन लोगों से लगातार हमारे हम लोग कॉन्टेक्ट में थे और मौके पे टाइमली पहुँच गए थे और इसीलिए किसी अप्रिय घटना को घटने से हम लोग रोकने में सफल रहे। देखिए, इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए लगातार हमारे हम लोगों का अभियान चल रहा है और पिछले कुछ ही महीनों में हम लोग लगभग 11 मुकदमे इसमें पंजीकृत किए, 18 लोगों को जेल भी भेजे हैं और ये लगातार कार्रवाई चलेगी और भी इस पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए हम लोग आगे करवा रहे हैं। पकड़ा गया आरोपी कौन से गाँव का, अन्य कौन से गाँव के हैं जो फरार? पकड़ा गया आरोपी है खुशालपुर का है और बाकी लोगों के बारे में उससे जानकारी हासिल करके फिर उसके बाद जो भी होगा ये विवेचना का विषय है, इसको विस्तृत रूप से आपको बात करेंगे।